आज हम बनाते हैं भरवा टमाटर का एक न्यू वर्जन। तो टमाटरों के स्लाइस ऐसे काट के और उसके रिंग्स बना के उसको स्टफ्ड करके इस तरह से उनके पकौड़े बना लिए। तो टमाटर भरवा भी है और उसका पकौड़ा भी है, तो इसे आप स्टार्टर की तरह से या शाम की चाय में या किसी भी साइड डिश में आप रख के इसे एंजॉय करिए, खुद खाइए, सबको खिलाइए। और उसके पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं लेके आती हूँ, तो इसके लिए प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करिए इसे। तो आइए देखते हैं ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट सी और टेस्ट में बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी कैसे बनी है। तो इसके लिए मैंने ये बॉयल आलू ले लिए हैं इस तरह से मैश किए हुए। आप इसमें थोड़ा पनीर भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इसमें नमक डाला और चाट मसाला डाला, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर और आमचूर पाउडर डाल के, और ये थोड़े से अदरक हैं और हरी मिर्ची महीन कटे हुए, इनको बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। तो स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। और ये हरी धनिया, हरी धनिया की पत्ती डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो तीखा अगर खाना हो तो हरी मिर्ची आप बढ़ा लें, और अगर बच्चों को खाना हो तो आप इसे टोटली आप स्किप कर दें। इन्हें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करके साइड में रख लेते हैं। और अभी बेसन ले लिया और उसमें नमक, हल्दी और ये अजवाइन, इसको मिला के और एक थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इनफैक्ट थोड़ा गाढ़ा ही ये रहना चाहिए, पेस्ट से थोड़ा सा लिक्विडी होना चाहिए, लेकिन इसे गाढ़ा ही रखना है हमें, तभी ये कोट करेगा अच्छी तरह से। कुछ इस तरह से हमें इसका वो घोल तैयार कर लेना है। और अभी ये टमाटर है, थोड़े से ऐसे टाइट वाले टमाटर लें और इनके मोटे मोटे से स्लाइसेस कर लें इसके, इस तरह से थोड़े मोटे मोटे ही कट करें इसमें से। और अभी बीच से इसके जो पल्प हैं वो हटा लेते हैं, तो हमें ये रिंग बना के इनके ले लेने हैं। इस तरह से पल्प को निकाल देते हैं और बीच किनारे से ये रिंग्स ले लेते हैं। बस हमें इनकी रिंग की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पल्प को क्या करें, रख लें, और ये रिंग जो है इस तरह से जितने भी आपको बनाने हैं उस तरह से रिंग ले लें, और पल्प जो है उसे आप सब्जी में, चटनी में आप यूज़ कर लें, प्यूरी बना के रख सकते हैं उसे। तो अभी रिंग 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 मैंने ले लिया है बस। और इसको क्या करते हैं, इसमें जो आलू वाला मैंने स्टफिंग आलू की तैयार की थी उसको बिल्कुल इस तरह से जैसे टिक्की होता है उसके अंदर बना के फिल कर लेना है। तो साइड बिल्कुल किनारे जो हैं वो टमाटर के रहें और बीच में ये आलू वाली स्टफिंग है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने शिमला मिर्च के इसी तरह से रिंग्स निकाल के और उसे स्टफ्ड करके बनाया था, बट उसको मैंने कुछ क्रम के साथ किया था। और अभी क्या करते हैं, बेसन में ये हरी धनिया की पत्ती मिला के और इसमें अच्छी तरह से कोट करके इन रिंग्स को, इन टोमेटो रिंग्स को। और अभी सरसों के तेल में बहुत थोड़ा सा तेल लिया है और इस तरह से सैलो फ्राई कर लेते हैं। तो इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें करना है सैलो फ्राई इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसी तरह से मैंने एक स्टफ टोमेटो की मैंने रेसिपी, एक चाट बनाई थी, रेसिपी शेयर की थी आपसे चाट की, तो आप उसे ज़रूर एक बार चेक करिएगा। लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर चेक करिएगा। बिल्कुल डिफरेंट तरीके की वो चाट बनी थी मेरी, टोमेटो चाट। तो ये देखिए ये तैयार हो गए करीब करीब मेरे स्टफ टोमेटो रिंग्स, बिल्कुल नए स्टाइल से। तो
इस रेसिपी को देखिए, बनाइए, खाइए और खिलाइए। स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। तो फिर मिलते हैं आपसे नई और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। बाय।